आज हम करेंगे तेनाली रमन के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रमन वॉज अ डैश एंड डैश। तो रमन क्या था, रमन वॉज अ स्कॉलर एंड वेल नोन फॉर हिज विट। वो स्कॉलर था और अपने ह्यूमर के लिए बहुत फेमस था। नेक्स्ट आता है, हु इज द वाइफ ऑफ तेनाली रमन। तेनाली रमन की वाइफ का नाम क्या था, तेनाली रमन्स वाइफ वॉज मैगम्मा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड रमन गो टू मीट पुरोहित। रमन पुरोहित से मिलने के लिए क्यों गया था, उसका आंसर है रमन वेंट टू मीट द पुरोहित टू टोल्ड हिज विश टू मीट द किंग। वो राजा से मिलना चाहता था तो अपनी इस इच्छा को व्यक्त करने के लिए वो पुरोहित के पास गया। व्हाई डिड पुरोहित मेक फॉल्स प्रोमिस टू रमन एंड वट वॉज इट। पुरोहित ने रमन से झूठा वादा क्यों किया और क्या प्रोमिस किया था, हमें वो भी बताना है। पुरोहित मेड फॉल्स प्रोमिसेस टू रमन दैट ही वुड कॉल हिम टू द रॉयल कोर्ट। पुरोहित ने उसको झूठा वादा ये किया था कि मैं तुम्हें रॉयल कोर्ट में बुलाऊंगा। और क्यों किया था, क्योंकि द राज पुरोहित रियलाइज दैट इफ रमन मेट द किंग हिज ओन इन्फ्लुएंस वुड डेफिनेटली डिक्लाइन। क्योंकि उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अगर रमन राजा से मिला तो जो राजा हो तो जो राज पुरोहित होगा उसकी जो इन्फ्लुएंस होगा राजा के ऊपर वो कम हो जाएगा, यानी कि तेनाली राजा की नज़र में और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did रमन get opportunity to enter court? अब रमन को वो opportunity कब मिली कि वो court में अंदर जा पाया। He got a chance to enter the royal court on the occasion of a royal feast where various scholars and philosophers were invited. अब रमन को court में जाने का मौका जब मिला, जब वहाँ पर एक royal feast थी। royal feast होती है जहाँ पर लोगों को दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें खाना खिलाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं, फिलोसोफर्स यानी कि जो रिसर्चेस वगैरह करते हैं वो आते हैं। तो उस दिन उसको मौका मिला कोर्ट में जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्कॉलर्स ओपिनियन अबाउट लाइफ। अब वहाँ पर जो स्कॉलर्स आए हुए थे फीस्ट में, तो उसमें से किसी एक स्कॉलर ने ओपिनियन दिया था लाइफ के ऊपर, वो क्या था। द स्कॉलर्स ओपिनियन वॉज दैट लाइफ इज जस्ट अबाउट एन इल्यूजन। कि उस स्कॉलर ने ये बोली थी कि जो हमारी ज़िंदगी है वो इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है, जो हम सोचते हैं वो सब हमारा मन का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड किंग अपॉइंट रमन एज द कोर्ट जेस्टर। अब जो राजा था उसने रमन को अपने कोर्ट के जेस्टर की तरह यानी कि एंटरटेनर की तरह अपॉइंट क्यों किया था। तो पहले हम क्वेश्चन में से लेंगे कि द किंग अपॉइंटेड, ईडी लग जाएगा इसके आगे, द किंग अपॉइंटेड रमन एज द कोर्ट जेस्टर बिकॉज द किंग वॉज मेजमराइज बाय रमन्स विट। क्योंकि जो राजा था वो रमन के ह्यूमर से, उसकी जो कॉमेडी करने की जो उसके अंदर क्षमता थी वो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ था, फैसिनेट हुआ था, राजा बहुत खुश हुआ था।